ओदला पे धनगर समाज की मीटिंग चल रही है। धनगर प्रमाण पत्र कैसे बने और आंदोलन की यहाँ से रणनीति तैयार की जा रही है। मेरे साथ में विजय सिंह धनगर मौजूद हैं। विजय सिंह जी, किस तरह की मीटिंग है, पहले तो मुझे आप ये बताइए। ये धनगर से संबंधित मीटिंग है कि धनगर के सर्टिफिकेट शासनादेश होते हुए भी हमारे सर्टिफिकेट कोई भी जिलाधिकारी बनाने के लिए नहीं कह रहा है, और लेखपाल तो हमको ऐसे फटकार देते हैं कि कोई धनगर के सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे आप। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ से पहले भी एक मीटिंग हुई राजगार्डन में, राजगार्डन में मीटिंग बसपा सपा की गठबंधन की मीटिंग हुई थी, हाँ, तो किस रूप में देखते हैं मीटिंग में, आप भी गए थे, सम्मिलित हुए, तो किस रूप में देखते हैं उस मीटिंग? देखिए, जिस समय हमको बुलाया गया था, पहले तो हमने मना किया ये महागठबंधन की मीटिंग है, हम पार्टी वाले बोले यहाँ पार्टी से कोई बात नहीं होगी, यहाँ धनगर से संबंधित ही बात होगी। हमारे बिरादरी, हमारे समाज के लोगों को, जलेसर तक के लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमने माँ एक पौन घंटा सुनने के बाद में कोई भी हमारे समाज का नेता या दूसरे समाज के नेता धनगर की कोई बात नहीं कह रहा था, तो हमको रोष आया। हमने कहा भाई दो पाँच मिनट हमको भी दिए जाए, हम धनगर की बात कहेंगे। धनगरों को हमेशा हमेशा मीटिंगों में छलावा किया गया है, जैसे जलेसर में छलावा किया गया, हम धनगर के सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ऐसे ही टेढ़ी बगिया राजगार्डन में हमसे ये कहा गया, लिहाजा हमको मंच पर कोई जगह नहीं दी गई। तो जगह नहीं दी गई तो हमने कहा भाई धनगर का प्रमाण पत्र की बात करने के लिए आप गए थे, लेकिन आपको मंच पर जगह ही नहीं दी गई। जी नहीं दी गई हमको, कोई जगह नहीं दी गई। क्या लगता है वहाँ के बसपा के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, सपा के लोग हैं, इसलिए नहीं दी गई आपको? अब पता नहीं हमें तो कौन सी बात थी उनके अंदर कि हमें कोई बात कहने का, ना तो हमारा कोई नेता ही कह रहा था धनगर की बात को। कौन कौन मौजूद था वहाँ? माँ राजा बेटी, महाराज सिंह, प्रेम सिंह, प्रताप सिंह, और जो हमारे समाज के जो नए बसपा के नेता कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो ये कोई नहीं कह रहा था। तो हमने कहा भाई ये बात हमारी समाज में जानी चाहिए, जो समाज हमारा इतनी दूर से आया हुआ है, जिनको आने में चाहने में चार चार घंटे लग रहे हैं, जलेसर से आगे तक लोग आए, और यहाँ क्या पूड़ियाँ खाने के लिए आए? हमने ये बात कही थी पूड़ियों के लिए हमारा समाज नहीं बिकेगा। तो हमने अपने एक मीडिया वाले भी आए, तो हमने उनसे कहा भाई हमारी बाइक ले लीजिए, उसने कहा कि नहीं हम आपकी मीटिंग नहीं लेंगे। क्या लगता है कि यहाँ से आगे भूमिका बनाई जा रही है, सिर्फ गठबंधन के लिए भूमिका बनाई जा रही है इन मीटिंगों के जरिए, जैसे राजगार्डन में हुई, ये भी हो रही है, तमाम और भी मीटिंग हो रही है, तो ये गठबंधन के लिए नेता भूमिका बना रहे हैं ये मानते? नहीं, हमने ये कहा था कि जैसे उसके बाद में तुरंत ही मीटिंग लॉयर्स कॉलोनी में हुई, हम वहाँ भी आए, तो वहाँ से हमारे साथ में लोगों का टकराव हुआ, जैसे राजेश परिहार जी का, राजेश परिहार जी के सामने हमने कहा, राजेश परिहार जी ने बोले कि तुम्हें तो मैं मारने की साजिश बनाई जा रही थी, वो हमारे वजह से बच गए, हमने कहा मारने वाला कोई नहीं है, हमारा गांव को मालूम पड़ जाती ना तो 500 आदमी इकट्ठे होते। लगता है अगर बसपा गठबंधन से मजबूत स्थिति में आती है तो आपके धनगर प्रमाण पत्र की पैरवी करेगी, ऐसा लगता है? कभी नहीं, हमारे जब बसपा आ जाए, एक बार नहीं 50 बार आ जाए, हमारे धनगर के सर्टिफिकेट बसपा कभी नहीं बना सकती है। हाँ, सपा की तो उम्मीद भी है कि सपा बना भी सकती है, लेकिन धनगर हमारा विरोधी। भाजपा से भी उम्मीद है कुछ? हाँ, भाजपा से भी उम्मीद है, बसपा से बिल्कुल उम्मीद नहीं है भाई, वर्तमान में भाजपा सरकार, इसलिए हमारे सर्टिफिकेट बन सकते हैं। इस समय तो बड़ा बहुत अच्छा मौका है, और आज परसों हमने ये भी कहा था लोगों से, ये मीटिंग तो कर रहे हो लेकिन राजनीतिक मीटिंग नहीं होनी चाहिए, धनगर से होगी तो बोधला हम आएंगे, जरूर आएंगे, और आज आए। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है कि सपा बसपा रालोद के लिए ये सब भूमिका बनाई जा रही है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये मीटिंगें हो रही हैं? नहीं, ये तो यहाँ तो यही सिद्ध हो रहा है कि यहाँ सब धनगर गिर रहा है, सिर्फ धनगर गिर रहा है, ये हमने तय कर दिया, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक मंच की बात नहीं होगी। सपा वहाँ राजगार्डन में आपके सामने कोई, आपके साथ में कोई बदतमीजी भी हुई? कुछ बदतमीजी मेरे, किसने की? मेरे, ये नहीं मैं कह सकता हूँ, मेरे बेटे के साथ में हुई। किसने की? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, बोझ क्यों नहीं कह सकते? आपके बेटे को कोई मारेगा पीटेगा, खदेड़ के क्यों ले गए? क्या वजह भी तो होगी कोई? मुझे एक तरफ ले गए पकड़ करके 8-10 लोग, मेरे बेटे को गेट से बाहर। आप धनगर की बात कर रहे हैं इसलिए ले गए? जी, मैं धनगर की बात कर रहा था इसलिए। तो आप देख रहे हैं कि धनगर प्रमाण पत्र पर, जो मेरे साथ में विजय सिंह धनगर थे, राजगार्डन में एक मीटिंग हुई धनगर समाज की, पाल बघेल धनगर समाज की, उसमें इनके साथ में छींटाकशी भी हुई, और इनसे ये भी कहा गया कि हमारी वजह से, समाज के कुछ लोगों की वजह से आपकी जान बच गई, नहीं तो लोग इनको मारने पीटने वाले भी थे। अब लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बसपा गठबंधन धनगर प्रमाण पत्र के पक्ष में कितना कार्य करेगा,
और भाजपा जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक आश्वासन भाजपा के लोगों से मिल रहा है, जियो के आधार पर कहीं ना कहीं धनगर समाज को खींचने का काम भाजपा कर रही है, तो कब तक इस धनगर समाज को न्याय मिल पाएगा? कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।